हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है हयात वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम में। जैसे कि आप तो लोग जानते हैं कि हयात का ऑफलाइन प्रोग्राम चल रहा था सक्सेसफुली, उसमें क्रैश का एक बैच प्लान हो चुका था और कई क्लासेस वहाँ पर हो चुकी थी। फिलहाल न सिर्फ रुड़की में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में, बल्कि इवन यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कोरोना की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो आउटब्रेक चला है उससे स्पेशली हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, और उत्तराखंड हमारा जो स्टेट है और दूसरे स्टेट्स में भी आगे तक का लॉकडाउन हो चुका है। और इस लॉकडाउन की वजह से ठीक है कि हमारी प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए आपका भविष्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ों को हमें समय में ध्यान में रखते हुए हयात और हयात की पूरी टीम ने एक ऑफलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे बच्चे अपने घर बैठकर भी अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर्सपेक्टिव के साथ अपनी पहली क्लास, जो वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम है, पहली क्रैश कोर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी माइसेल्फ मोहम्मद आदिल, बायोलॉजी टीचर हयात एकेडमी, और आज हम बायोलॉजी का पहला लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि अभी दो दिन तक जो आपके पास वीडियोज आएंगी वो डायरेक्ट YouTube के थ्रू लिंक पहुंचेगा और आप वहां पर उन वीडियोज पर एक्सेस कर सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन दो दिन के बाद हमारा एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पोर्टल तैयार हो जाएगा। उस पोर्टल पर आपको हर बच्चे को जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसे हयात की तरफ से बाय मैसेज और बाय कॉल एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, ईमेल आईडी, और उस आईडी को लॉगिन करते ही वेबसाइट पे आप जाएंगे और आपको जितने लेक्चर्स टाइम टू टाइम डिलीवर होते हैं। तो चलिए बगैर देर करें आज की पहली हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है क्रैश के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि नीट हमारा बहुत कम टाइम में बचा है। उसके साथ जहाँ इतनी स्ट्रगल हमारे साथ है कि हमने एक वाइड सिलेबस को कवर करना था पूरे साल और हमें उसे रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर चलना है और बहुत ही स्मार्ट पढ़ाई इस टाइम करनी है। रीजन उसका ये है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास है, और उसके साथ साथ एक डबल हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना की एक आउटब्रेक को फेस कर रही है। तो फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत हार्ड और स्मार्ट वर्क की स्टडी की ज़रूरत है। तो हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि हम इतने लिमिटेड टाइम में आपको कम से कम पूरे एनसीईआरटी सिलेबस का 11th प्लस 12th जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हैं क्वेश्चंस की और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जहाँ से मेजर पोर्शन बनेगा, जो कि टीचर्स एक्सपर्ट्स की राय को देखते हुए हमने वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। और इसी टॉपिक इन्हीं टॉपिक्स के कंटिन्यूएशन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश क्लास। बच्चों आप सब जानते हैं कि नीट में 11th 12th में अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर वाइज हमारी क्लास अलग चलेगी। फिलहाल हम एक 11th 12th की एक ऐसे टॉपिक और एक ऐसे विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं जो नीट में कम से कम एक दो तीन क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे 11th से लेकर 12th तक, वो कौन से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जी हाँ, जनरली हमारी ये सोच रहती है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं। जनरली हमें रहता भी है कि जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा न्यूमेरिक जहाँ वैल्यूज आते हैं क्वेश्चन आते हैं तो टिल्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनको प्रॉब्लम करने में, मतलब उस प्रॉब्लम को फेस करने में थोड़ा सा सफर करते हैं। तो इसीलिए हम आज एक रिविजन करेंगे 11th से लेकर 12th में वो पोर्शन जहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोड करता है नीट एग्जाम। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कोड करता है नीट। सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी जो हमारी यूनिट है उस पर आते हैं। हमारी 11th की 3rd यूनिट होती है, इस यूनिट के अंदर हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस से रेगुलर एक तरह के प्रॉब्लम आती हैं और वो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर पे हो सकती हैं, नंबर ऑफ सेल पे, जो बहुत मोस्ट आस की प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगे इन साल में वो हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये हैं, पहली क्रोमोसोम नंबर कितने हैं,
और नंबर ऑफ सेल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गिवन सेल दी गई है और उस सेल में आप कितनी नंबर ऑफ सेल डिवाइड करेगा, कितने माइटोसिस कितनी सेल बनाने में रिक्वायर्ड होगी एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें मिलती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले माइटोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन माइटोसिस। तो हमारी जो माइटोसिस बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम्स अगर हम दूसरे मेडिकल एंट्रेंस को कंसीडर करते हैं जैसे कि एम्स और इसके अलावा कभी कोई स्टेट पीएमडी हुआ करती थी, तो एक बहुत वाइड वैरायटी न्यूमेरिकल्स की हुआ करती थी। बट क्योंकि अब तो सब कंबाइंड हो गया है, नीट एम्स अब एक हो चुका है जिसे हम नीट के नाम से जान रहे हैं, तो अब हम माइटोसिस पर बहुत वाइड वाइड वैरायटी को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि माइटोसिस में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल जो इस बार नीट में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड या प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, तो वो दो तरह की कंडीशंस ज्यादा पूछी जाती है, इस बार पूछी जाने की उम्मीद भी। नंबर वन, पहली चीज जो माइटोसिस के लिए पूछी जाती है वो ये है कि प्रॉब्लम यहाँ दी गई है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ सेल्स। यहां पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस। और दूसरी प्रॉब्लम जो माइटोसिस से रिलेटेड है, हाउ मेनी माइटोटिक जनरेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट सेल्स। ध्यान रहे ये दोनों क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, रिलेटेड है, बट इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में लैंग्वेज के साथ दो चीजों पर खास तौर पर ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस पूछा गया है और दूसरे क्वेश्चन में माइटोटिक जनरेशंस पूछी गई। इसके लिए मैं एक जनरल डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज अ सिंगल सेल है, पहले क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का आंसर डायग्राम से आपको मिलेगा कि एक सिंगल सेल से कितने सेल्स बनानी है, 8 सेल्स बनानी है। आपने इसे तब तक माइटोसिस माइटोटिकली डिवाइड करने जब तक कि 8 ना हो, तो आपने पहला डिवीजन दिया ये 2 सेल्स हो गई। डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक एक सेल्स ना मिल जाए, फिर माइटोसिस हुआ 4 सेल्स हो गई। माइटोसिस कंटिन्यू रहेगा ईच, तो टोटल 8 सेल्स यहां पर बन चुके। अब हमें देखना है कितने माइटोसिस यहां पर हुए। आप देख सकते हैं दिस इज द माइटोसिस नंबर 1, माइटोसिस नंबर 2 एंड 3, माइटोसिस 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बना जिसमें पूछा हुआ था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 सेल्स। तो 8 सेल्स बनाने के लिए कितने, हमारा आंसर आता है 7 माइटोसिस। अच्छा ये तरीका मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी तो आपसे सेल्स बहुत कम नंबर दिया गया, सबको 8 सेल्स ही लगे। फॉर एग्जांपल आपने नंबर बहुत एक बड़ा नंबर दिया जा रहा है, एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक बिग वैल्यू दी जा रही है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि 269 सेल्स बनानी है, 200 सेल्स बनानी है, 148 सेल्स बनानी है, तो हम तब तो ये डायग्राम फ्लो चार्ट नहीं कर सकते इतनी देर तक। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ऐसे टाइम पर हमें यहां से एक फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। वो फार्मूला हमारा सीधा है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे कुछ भी हो। हम यहां सीधे देख सकते हैं नंबर ऑफ माइटोसिस के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला बनता है, और वो फार्मूला बनता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, जितनी सेल्स बनानी है, माइनस 1। आप यहां देख सकते हैं 8 सेल्स हमको बनानी माइनस 1 दैट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स नहीं हमारे पास 8 माइनस 1 दैट इज 7 माइनस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा।
क्लियर है बात। तो यहां पर हमारा है पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इसका क्वेश्चन, और इसी फ्लो चार्ट में हमने जो दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी थी उसका आंसर भी यहीं पर दिया जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ माइक्रोट्स पूछा, दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछा गया हाउ मेनी माइटोटिक जनरेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच सेल्स। माइटोटिक जनरेशन, अब देखिए जनरेशन कितनी है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन। अगर आप जनरेशन की बात करते हैं तो यहां पर ये पहली जनरेशन आई है, उसके बाद ये दूसरी जनरेशन आई है और ये तीसरी जनरेशन आई है, तो बीच में एक से आठ सेल्स बनने में कितने जनरेशन गैप लगे। तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन गैप, सेकेंड जनरेशन गैप, थर्ड जनरेशन गैप। तो यहां पर एक सेल बनाने के लिए हमारे पास जनरेशन जो आनी है टोटल जेनरेशंस ऑफ माइटोसिस आंसर आता है थ्री। बट अगेन वही क्वेश्चन बनता है कि अभी नंबर हमारे पास बहुत छोटा है, एक सेल्स बनानी है, लेकिन अगर एक बड़ा नंबर हमको दिया जाता है तो हम कहां तक इसको करते रहेंगे। अगेन यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला हमारा रहेगा माइटोटिक जेनरेशंस, माइटोटिक जेनरेशंस के लिए आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपली एन, माइटोटिक जेनरेशंस आर एन। और n नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए हमें सीधा फॉर्मूला यहां पर मेंशन रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो आपको प्रोड्यूस करनी है इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर दिस n इज माइटोटिक जनरेशंस। वेरी गुड करते हैं, टोटल सेल्स हमको बनानी है 8, 2 टू द पावर n। हम इस 8 को 2 की पावर की टर्म्स में मेंशन करेंगे, हमारी वैल्यू आती है 2 टू द पावर 3, 2 into 2 into 2 is equal to 2 टू द पावर n। यहां हम इस n को कंपेयर करेंगे, then we will find the value of n is 3, this is the answer। तो अगर जनरेशंस का आपको फॉर्मूला निकालना है, जनरेशन मतलब माइटोटिक जनरेशंस, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये माइटोसिस से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम, इस तरह माइटोसिस की ये दो प्रॉब्लम सबसे कॉमन है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। माइटोसिस के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, यानी कि माइटोटिक प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी रहेगी मियोटिक प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मियोसिस। मियोसिस से रिलेटेड आपको बताता हूँ कौन कौन से मेन प्रॉब्लम जो डिस्कस होते हैं यहाँ पर। नंबर वन, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आपको एक सेल भी नहीं है उसकी प्लॉयडी बताई गई, आपसे पूछा जाएगा इसमें ये प्लॉयडी है, इसमें एक क्रोमोसोम नंबर है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जगह होमोलोगस क्रोमोसोम यानी पेयर क्रोमोसोम। नंबर टू, मियोसिस से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम बनेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट
different stages of meiosis. Meiosis की अलग अलग स्टेज है. फॉर एग्जाम्पल आपसे टोटल नंबर ऑफ सेल दिया गया है 20 हेड मेल नंबर, तो इसकी एनाफेज फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, मेटाफेज सेकेंड में कितना होगा. इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे. नंबर थ्री, तीसरी वाली प्रॉब्लम की नंबर ऑफ बायोलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ बायोलाइट्स पहले से समझ लीजिए. नंबर ऑफ बायोलाइट्स बायोलाइट क्या है, ये मीडियम टॉपिक है जो हम एक माइटोसिस मियोसिस को डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, वहाँ ये बात आपको बताई जाएगी अगले लेक्चर्स में, ये बात आपके सामने डिटेल के साथ आएगी. फिलहाल जो हमारे बिगनर्स हैं स्टैंड जिन्होंने 11 में बहुत अच्छे से मियोसिस को नहीं पढ़ा है उनके लिए बता देते हैं. आप सब ने एक कॉमन चीज पढ़ी है कि मियोसिस एक कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन है जो कि दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड एक तरह का माइटोसिस ही होता है. मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट को फोर सब स्टेज में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट. इन में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट फेज जो होती है वो है प्रोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट के अंदर फाइव सब स्टेजेस हैं जिसकी वजह से ये सबसे लंबी फेज है. और ये जो पांच सब स्टेजेस मियोसिस फर्स्ट की है, प्रोफेज फर्स्ट की, क्रोमोसोम बिहेवियर के बिहाफ पर बनाई गई है. यानी अलग अलग फेज में क्रोमोसोम कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है क्रोमोसोम का, उसका बिहेवियर किस तरीके से बदलता है. तो जब हम पांच सब स्टेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट की फाइव सब स्टेज आती है. नंबर वन, द फर्स्ट सब स्टेज लैक्टोडीन, द सेकंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैकाइटीन, फोर्थ डिप्लोडीन एंड द फिफ्थ वन इज डायकाइनेस. अगेन आई रिपीट, पहले नंबर पर लैक्टोडीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोडीन, डायकाइनेस. तो इसमें जो सेकंड सब स्टेज आती है जिसका नाम है जाइगोटीन, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना चलता है. जो क्रोमोसोम सेल में डिस्पर्स थे यानी बिखरे हुए थे, वो अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं उनके साथ पेयरिंग बनाना शुरू कर देते हैं. और एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ जब पेयरिंग बना के आमने सामने खड़ा होता है, ये है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और इस प्रोसेस का नाम है सिनेप्सिस. सिनेप्सिस द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बहुत पूछा जाता है नीट के अंदर कि ये जो सिनेप्सिस है वो मियोसिस की किस फेज में होती है. आंसर जाइगोटीन के अंदर होती है. तो बेटा जो दो क्रोमोसोम जो कि पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे के आमने सामने पेयरिंग बनाते हैं, तो वो जो पूरा एक जोड़ा है, पूरा एक पेयर है, इसको हम एक बायवेलेंट का नाम देते हैं. क्या बोलते हैं इसको, हम इसको हम एक बायवेलेंट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, ह्यूमन में 46 टोटल क्रोमोसोम है. जब वो पेयर बनाएंगे तो पेयर कितने बनेंगे, 23 पेयर. तो हर पेयर एक बायवेलेंट रिप्रेजेंट करता है. तो कितने पेयर हैं ह्यूमन के पास, 23 पेयर. दैट मींस कितने बायवेलेंट होंगे यहाँ पर, 23 बायवेलेंट. तो बायवेलेंट का नंबर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम कितना है. ठीक है, जैसे हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं, ड्रोसोफिला के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 8, लेकिन पेयर्ड क्रोमोसोम कितने हैं, इसके पास पेयर्ड क्रोमोसोम है 4 पेयर्स. इसका मतलब एक पेयर एक बायवेलेंट, कितने पेयर टोटल, 4 पेयर्स. 4 पेयर मतलब 4 बायवेलेंट. इसी तरीके से मेल्स के अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन पेयर्ड क्रोमोसोम कितने, 10 पेयर्स. तो कितने बायवेलेंट बनेंगे, 10 बायवेलेंट. तो नंबर ऑफ बायवेलेंट्स अकॉर्डिंग टू जो भी सेल आपको 2n नंबर दिया होगा उसमें आपको बायवेलेंट निकालना होगा. बहुत आसान तरीका है, 2n का हाफ कर देंगे, 2n का एन कर देंगे. ठीक है, इतने नंबर ऑफ बायवेलेंट, क्योंकि दो क्रोमोसोम से मिलकर एक बायवेलेंट बनता है. इस तरीके से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो मियोसिस में बहुत ही रेगुलर पूछी गई और फ्रीक्वेंट पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये प्रॉब्लम है. आपसे कहा जाएगा कि इतने नंबर ऑफ सीड्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 100 सीड्स बनाने हैं, 120 सीड्स बनाने हैं, 200 सीड्स बनाने हैं, कोई भी एक नंबर दिया जाएगा. तो इतने सीड्स बनाने में टोटल मियोसिस कितने रिक्वायर्ड होंगे, टोटल नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड
to produce n number of seeds. वो n number कुछ भी हो सकता है, 100, 120, 150, 160, 200, 500, 1000, कुछ भी. यहाँ पर अब meiosis से related यही चार main problems हैं जो हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आइए एक एक करके इन चारों को प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से डिस्कस करते हैं. इक्वेशन बड़ा ट्रिकी इक्वेशन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी फाउंड इन मेटाफेज इन अ हैप्लॉइड सेल हैविंग टोटल ऑफ 50 क्रोमोसोम्स. और मुझे पूरा यकीन है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. उन्हें पता है कि क्रोमोसोम नंबर अगर आपसे पूछे कि पेयर क्रोमोसोम कितने हैं तो फौरन नंबर हाफ कर देते हैं. जैसे अगर कहा जाए कि ह्यूमन में पेयर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 टोटल होते हैं, हाफ होते हैं 20. तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो बगैर सोचे समझे आंसर करेंगे उनका बगैर देख रहे आंसर होगा 25. जैसे सिंपल को लॉजिक देंगे कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम कितने होंगे 23. इस तरीके से टोटल क्रोमोसोम या 50 है तो 25. बट यही चीज है जो आपके सारी की सारी मेहनत को खराब कर भी कर देने वाली है. इसीलिए क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट होता है केयरफुली रीड करना और आपसे पूछा जाना है क्वेश्चन एक्चुअली आपसे क्या डिमांड कर रहा है. और मैक्सिमम बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर बहुत जल्दी की चक्कर में अपने सही क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं. यहां पर आपको बता दें क्वेश्चन को समझिए और करिए क्या कहा गया है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. बेटा एक बात बताइए, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पेयर क्रोमोसोम, पेयर क्रोमोसोम ठीक है. क्वेश्चन दे दिया गया है मेटाफेज में इन हैप्लॉइड्स में. अब ये जो चीज थी इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है. बहुत से बच्चे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया कि ये हैप्लॉइड टर्म दिया हुआ है बस इसी में आंसर छुपा हुआ है. आप जानते हैं हमारे पास सारे पेयर क्रोमोसोम पेयरिंग में तब तक रहेंगे जब तक सेल डिप्लॉइड. और जहां सेल हैप्लॉइड होगी आप जानते हैं सेग्रीगेशन हो जाता है क्रोमोसोम का और क्रोमोसोम पेयर की वजह क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं. इसका मतलब एक सेल के अंदर अगर 1000 क्रोमोसोम भी है और वो सेल अगर हैप्लॉइड है तो वहां पर क्रोमोसोम तो होंगे बट पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, अनपेयर्ड हो चुके हैं. इस केस के लिए तो आपका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ही जीरो, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में एक भी पेयर क्रोमोसोम नहीं होता है. क्रोमोसोम होंगे बट पेयर्ड नहीं. क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ है हाउ मेनी होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक भी नहीं होगा. नॉन होमोलोगस होंगे या अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे. यहां हमारा क्वेश्चन बन गया, उसका आंसर आप दे सकते हैं. एक दूसरी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं.
क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। The number of biologists are 20. Cell is 20 biologists. The number of chromosomes. अब अलग अलग स्टेज में क्रोमोसोम आपसे पूछे गए हैं। जीवन में मेटाफेज में एनाफेज में जीवन एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल स्टेज होती है, यानी 2n नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले निकालना है कि जितने बायोलॉजिस्ट हैं आप टोटल 2n नंबर फाइंड आउट कीजिए कि कितना होगा। आप ये जानते हैं कि हमारे पास जितना टोटल नंबर होता है उसके हाफ बायवेलेंट्स होते हैं, तो बायवेलेंट से टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, जितने बायवेलेंट्स हैं उसका डबल क्रोमोसोम नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 23 बायवेलेंट्स हैं तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं 46, या उल्टा करेंगे 46 अगर टोटल क्रोमोसोम है बायवेलेंट से 23 उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 20 बायवेलेंट्स किसी सेल के अंदर दिए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा जीनोम के इसके अंदर। तो हमारा टोटल नंबर आ गया, हमारा 2n नंबर आया 40। तो ये तो हमारा एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉइड स्टेज में। अब आपको पता है 2n नंबर हमारा जीन के जीवन केस में होता है, तो पता लग गया हमारा पहला आंसर कि जीवन में हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा 40। अब ये सेल डिवीजन में जा रहे हैं, कौन से यूनिट डिवीजन में जा रहे हैं, क्योंकि मेटाफेज पास है, मेटाफेज पास सेकंड तक जो कांसेप्ट है वो मियोसिस में है, मेटाफेज में तो होता नहीं है, तो मतलब कि मियोसिस में जा रही है। मेटाफेज फर्स्ट में टोटल क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना होता है, आप ये जानते हैं कि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में लग जाते हैं, बायोलेंट लगे होंगे 20 इस साइड में 20 इस साइड, ठीक है, यानी कि हम टोटल 40 क्रोमोसोम 20 पेयर्स में लगे हैं। तो इसका मतलब जितने बायोलेंट होते हैं मेटाफेज फर्स्ट में उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, तो 20 बायोलेंट्स का मतलब हो गया 20 एक लाइन में लगे 20 20 40। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम भी हाफ नहीं हुआ, क्रोमोसोम का हाफ होता है एनाफेज फर्स्ट में। अब देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का हाफ हो चुका है, अब एनाफेज सेकंड पूछिए, तो एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का हाफ हुआ होगा तो एक सेल में 20 क्रोमोसोम रहेंगे। अब इस 20 क्रोमोसोम में होना क्या है, एनाफेज सेकंड पूछिए, देखिए एनाफेज सेकंड में क्या होगा, जब भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस टाइम कितने हैं 20, तो एक लाइन में 20 क्रोमोसोम अरेंज होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एनाफेज सेकंड एक तरह की माइटोसिस की एनाफेज होती है, और माइटोसिस की एनाफेज में मेटा जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज पर चलते हैं वो पेयर्ड में नहीं सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं, लीनियर नहीं अरेंज होते, और मियोसिस की जो मेटाफेज होती है उसमें पेयर बनाए हुए होते हैं, जिसका रीजन ये बनता है कि एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, क्योंकि पेयर एक पेयर एक पोल पर एक पेयर दूसरे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ एक लीनियर लाइन में अरेंज होते हैं, 20 क्रोमोसोम लीनियरली अरेंज है, इसका मतलब एनाफेज सेकंड के अंदर 20 क्रोमोसोम। आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग सीक्वेंस के साथ, तो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है 40 40 एंड 20। इस तरीके से आप बायोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि टोटल नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ सीड्स। यहां पर ट्रिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तीनों चीजें काम करती है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, फॉर्मूला बनाने से पहले हम इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला डेराइव कैसे किया जाता है। देखो आपको एन नंबर ऑफ सीड्स दिया है, से 100 सीड्स दिया गया कि 100 सीड्स बनाने के लिए कितने मियोसिस रिक्वायर्ड होंगे, आपको जितने सीड दिए उसे छोड़िए, आप पहले एक जजमेंट कीजिए कि एक सीड प्रोड्यूस करने में कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट हुई। अच्छा मियोसिस जो होता है वो कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म में सीड प्लांट होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ दो तरह के मियोसिस से लगने वाले स्पोर है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिनेट, मेगास्पोर जो आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फेमिली एम्ब्रियो बनाएगा।
और ये माइक्रोस्पोर मेरे मतलब है पॉलन ग्रेन में। अब जरा इनका डेवलपमेंट देखिए, एक सीड बनाने के लिए आपको एक पॉलन ग्रेन चाहिए माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर चाहिए। अब जरा हम इसका अंदाजा लगाते हैं कि एक सीड में कितने मियोसिस की जरूरत है। ये हमारा एक सीड है, एक सिंगल सीड। इस सीड को बनाने में आपको एक पॉलन और एक मेगास्पोर की जरूरत है। वन पॉलन प्लस वन मेगास्पोर। अब आप ये देखिए, एक पॉलन बनाने में कितने मियोसिस चाहिए, वन मेगास्पोर बनाने में कितने मियोसिस चाहिए, उसके लिए हम आंसर निकालते हैं। आपको पता है जब पॉलन में बनते हैं टीएम से, यहां से पॉलन मदर से जो कि डिवाइड होती है, एक पॉलन मदर से जब मियोसिस के थ्रू एक मियोसिस के थ्रू डिवाइड करी तो कितने पॉलन ग्रेन्स बने, फोर, वन टू थ्री फोर, दीज आर पॉलन्स। इसका मतलब फोर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने में एक मियोसिस रिक्वायर्ड हुआ है। तो एक पॉलन ग्रेन, वन पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए 1/4 मियोसिस। तो बेटा एक सीड बनाने में एक पॉलन ग्रेन चाहिए था, उसके लिए मियोसिस हो गया 1/4। अब बात करेंगे हम मेगास्पोर। मेगास्पोर में आप बनता है एमएम से, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ, मियोसिस से चार मेगास्पोर बने, 1 2 3 4। बट यहाँ होता क्या है, चारों फंक्शनल रहते हैं, नो, इसमें तीन डीजेनरेट कर जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा। ये डीजेनरेट, ये डीजेनरेट, ये डीजेनरेट, सिर्फ एक फंक्शनल। तो पता लगा एक एमएमसी से एक मेगास्पोर फॉर्म हो। इसका मतलब मियोसिस कितना, एक मियोसिस से एक मेगास्पोर। तो हमारे लिए वन मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए कितने मियोसिस, वन मियोसिस। बस हमारे पास एक मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाना था, एक पॉलन ग्रेन, टोटल कितने मियोसिस हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो एक सीड के लिए, वन पॉलन के लिए कितना मियोसिस, 1/4, प्लस एक मेगास्पोर के लिए कितना मियोसिस, एक मियोसिस। दोनों मियोसिस को ऐड कर देंगे तो आपको एक सीड बनाने में टोटल मियोसिस फाइंड आउट हो जाएंगे 5/4। तो बेटा ये आपका नंबर आया है 5/4, इसके लिए एक सीड प्रोड्यूस करेंगे। अब आपसे जितने सीड कहे एन नंबर ऑफ सीड, तो यहां पर देयरफॉर एन नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म करने के लिए आपको सिंपली करना है, एक सीड के लिए रिक्वायरमेंट है 5/4 मियोसिस और एन सीड बनाने के लिए आप एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला आपके लिए बनेगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ सीड्स, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मियोसिस, टोटल नंबर ऑफ मियोसिस किसलिए, टू प्रोड्यूस n number of seeds. तो n number of seeds produce करने के लिए सीधा formula अप्लाई करेंगे 5/4 into n, where n number of seeds। आइए कुछ questions इस पर solve करके देखते हैं। हमसे कहा गया है कि 100 सीड्स बनाने में कितने मियोसिस रिक्वायर्ड है, 100 सीड्स की फॉर्मेशन करनी है। आपसे पूछा गया है इसको फॉर्म करने में 100 सीड्स फॉर्मेशन मियोसिस कितने, सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू 5/4 इंटू एन, वेन एन नंबर ऑफ सीड्स, यहाँ नंबर ऑफ सीड्स आपको 100 दिया है, 5/4 इंटू 100, 125 मियोसिस।
125 न्यूटन। और आपको बता दूं कैसे कैसे होंगे इसमें 100 मियोसिस, तो 100 मेगास्पोर बनाने के लिए, और 25 मियोसिस 100 पॉलीमियोसिस बनाने के लिए। यहां पर इस तरीके से हमारा आंसर 125 है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड माइटोसिस और मियोसिस पे होते थे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जैसे कि क्रोमोसोम बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे कि ट्रॉइडी, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, इस पर अगर आपको क्वेश्चंस बनते हैं, और ये भी रेगुलर क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देखते हैं ट्रॉइडी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं। ट्रॉइडी बेस ploidy based problems, तो ploidy based problem के बेटा सबसे important है हम ये जाने कि ये ploidy क्या होता है। देखिए बेटा ploidy आप जानते हैं हर सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का एक फिक्स नंबर होता है, और ये नंबर स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। प्लांट की एक स्पीशीज में कुछ है, दूसरी में कुछ है, एनिमल्स में बहुत सारी वैरायटी एनिमल्स की है, और हर अलग स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर सब में अलग अलग होता है, वेरी करता है। तो क्रोमोसोम नंबर जो सेल में है, सेल की जो नॉर्मल हर सेल के न्यूक्लियस में जो कि एक डिप्लॉयड सेल होती है, क्रोमोसोम सेट्स। तो जितने क्रोमोसोम सेट्स हैं, यही इंडिकेट करते हैं उस सेल की ट्रॉइडी। फॉर एग्जांपल, एक हम सिंपल बात करें, अ सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इस सेल को आप हम कहेंगे दिस सेल विल बी हैप्लॉइड। अगर किसी सेल में एक क्रोमोसोम सेट, नॉट क्रोमोसोम नंबर, मैं एक क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं इस टाइम बात कर रहा हूं क्रोमोसोम सेट। तो अगर किसी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स एक सेट है, एक सेट अवेलेबल है, तो हैप्लॉइड सेट। और ऐसे ऐसे सेल हैविंग टू सेट्स, तब इस सेल को हम बोलेंगे डिप्लॉइड। इसी तरीके से अगर एक सेल के पास तीन सेट्स हैं, सेल हैविंग थ्री सेट्स, तभी ये सेल हो जाएगी ट्रिप्लॉइड। और चौथी कंडीशन है सेल हैविंग मोर देन थ्री सेट्स, तब इस कंडीशन को आप कहेंगे पॉलीप्लॉइड। यस, सेल हैविंग मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइड। अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली हायर एनिमल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, तो ज्यादातर वो डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनकी मैक्सिमम सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइडी कहां से बनती है, मैं इसका छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं, जिसे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा डिप्लॉइड सेल क्या है और ये सेट्स क्या है। आप एक एग्जांपल समझिए, हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, ह्यूमन के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये 46 क्रोमोसोम जो कि ह्यूमन का नंबर, इन क्रोमोसोम्स के एक्चुअली अगर हम कहें तो दो
ये हम पेयर की हम बात करें, हर क्रोमोसोम पेयर में है। और पेयर के क्रोमोसोम में तो पेयर कितने बने हमारे, हमारे पेयर बनते हैं 23 पेयर्स। इसका मतलब हर क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रेजेंट है हमारे पास, क्रोमोसोम 1 दो कॉपी, क्रोमोसोम 2 दो कॉपी, क्रोमोसोम 3 टू कॉपी, अप टू क्रोमोसोम 23। हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी हमारे पास प्रेजेंट होती है, तभी तो हम पेयर को 23 पेयर्स हमारे पास इनके प्रेजेंट है, राइट। अब आपको बताना है जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू होता है, तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ। तो आप याद रखिएगा, जब गैमीट बनेंगे और मियोसिस होगा, तो मियोसिस से 50% गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम आएंगे और 23 क्रोमोसोम 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सेट 23 क्रोमोसोम का एक गैमीट में और एक सेट 23 क्रोमोसोम का एक गैमीट, जबकि यही सेल अगर डिप्लॉयड हो जाए तो दो सेट हो जाएंगे 23 23 के, क्रोमोसोम नंबर हमारे डेवलपमेंट हुए नंबर 46 हो जाए। इसको और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं आगे। किसी भी एनिमल की शुरुआत एक नॉर्मल प्रोसेस से शुरू होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में दो गैमेट इन्वॉल्व है, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। सपोज ये एग सेल है और ये स्पर्म, 23 क्रोमोसोम का एक सेट मदर की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है और 23 क्रोमोसोम का दूसरा सेट फादर की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है। इस तरह दो सेट्स जब कंट्रीब्यूट होते हैं और ये फर्टिलाइज होते हैं तो हमारे पास बनता है जायगॉट, और इस जायगॉट में एक सेट फ्रॉम मदर साइड दैट इज मैटरनल सेट और एक साइड स्पर्म के थ्रू फादर की तरफ से दैट इज पैटर्नल। 23 and 23, तो टोटल क्रोमोसोम तो बेटा हमारे पास है 46, बट अगर हम सेट की बात करें, हमारी हर डिप्लॉयड सेल, हमारी हर डिप्लॉयड सेल दो क्रोमोसोम के सेट्स होल्ड करती है अपने न्यूक्लियस के अंदर, उसमें से एक सेट मैटरनल होता है दैट इज फ्रॉम मदर साइड और एक सेट पैटर्नल होता है दैट इज फ्रॉम फादर साइड। तो यहां पर 23 मैटरनल सेट, 23, तो आपको कितने सेट नजर आ रहे हैं, 23 का एक सेट, 23 का दो, वन एंड टू। इसका मतलब जायगॉट को हम लिखते हैं 2 एंड, बिकॉज़ जायगॉट इज अ डिप्लॉयड सेल, दैट इज दिस सेल हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। सिमिलरली हम एक कदम ऊपर जाते हैं मियोसिस, जब हम मियोसिस गैमेट बनते हैं, गैमेट्स के अंदर क्योंकि मियोसिस की वजह से ये सेट्स अनपेयर्ड हो जाते हैं, तो एक ही सेट अवेलेबल होता है और एक सेट अवेलेबल है तो इनको हम सिर्फ एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके पास सिर्फ एक ही सेट, ये भी एन और एन नंबर हमारा हाफ हो जाएगा, 23 इधर और 23 इधर। इस तरह 23 का एक सेट हैप्लॉइड सेट, 23 का दूसरा हैप्लॉइड सेट फादर सेट, दोनों से कंबाइंड होता है जायगॉट बनता है, जिस जायगॉट से डेवलपमेंट हुआ वो पूरी ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी होती है। इसका मतलब हमारी बॉडी की सारी सेल्स रिक्वायर्ड है टू सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट गैमेट्स। गैमेट्स अगर मेल है तो स्पर्म सेल्स और अगर फीमेल्स हैं तो ओवम की जो सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होगी। इसके अलावा बॉडी की जितनी सेल्स होंगे वो सोमेटिक सेल्स बोलेंगे, वो सोमेटिक सेल्स किस प्रायोरिटी की होंगी, डिप्लॉयड 2 एंड नंबर के साथ। तो अब यहां पर हमारे पास वेरियस क्वेश्चन प्लॉयडी बेस्ड आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको प्लॉयडी लेवल समझ में आ गया होगा। प्लॉयडी सिंपली हम ये बात समझते हैं कि किसी सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर का सेट्स अवेलेबल होता है उसे हम क्रोमोसोम, तो सेल की प्लॉयडी बोलते हैं। सिंपली एक सेल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होल्ड कर रही है, एक सेट है वो हैप्लॉइड, दो सेट्स उसके पास क्रोमोसोम्स के हैं तो डिप्लॉयड, तीन सेट्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो डिप्लॉयड और बहुत सारे सेट्स उसके पास प्रेजेंट है तो पॉलीप्लॉयड। तो प्लॉयडी का ये कॉन्सेप्ट रहता है। एनिमल और प्लांट्स में एक डिफरेंस आपको साथ साथ बताता चलूं कि एनिमल में मैक्सिमम हायर एनिमल्स की और नॉर्मल एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, लोअर एनिमल्स की, नॉर्मल एनिमल्स ज्यादातर डिप्लॉयड होते हैं और उनमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती है। ट्रिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयडी एनिमल्स के लिए मोस्टली लीथल होती है। अगर ये कंडीशन किसी एनिमल में जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू आ जाए तो उसकी डेथ कॉज करती है। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी, ट्रिप्लॉयडी
ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, ये कंडीशन एनिमल्स के केस में लीथल होती है, लिथालिटी यानी मोर्टेलिटी कॉज करेगी, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये वाइटल कंडीशन हो जाती है ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। हम कई बार देखते हैं प्लांट्स में अगर ट्रिप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, इवन पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कराई जाती है डेलिबरेटली, जानबूझ के कराई जाती है, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी होने से प्लांट के अंदर कई सारे एडिशनल फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट के फ्रूट का साइज बढ़ जाता है पॉलीप्लॉइड होने से। तो पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के केस में एक फ्रूटफुल प्रोसेस है, एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, होता है, नॉर्मली मिलता है, लेकिन एनिमल्स में दो ही प्लॉइडी आपको पूरी बॉडी में सेल्स में मिलेंगी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। पॉलीप्लॉइडी या ट्रिप्लॉइडी अगर कंडीशन कहीं है तो एनिमल के लिए ये केस लीथल होती है। इस इंफॉर्मेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्लॉइडी बेस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सीधे आपको फैक्ट बताता हूं, पढ़ लेंगे जो बनेगा आप सीधे आंसर कर सकते। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो हमारे 12th के दो चैप्टर्स हैं, यहाँ से प्लॉइडी बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से सेल्स में कितना क्रोमोसोम नंबर में दिया गया। मैं आपको पहले बता दूं कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डिप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है, हैप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है, ट्रिप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है। इन एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड। यहां आपको लगेगा कि सर हैप्लॉइड के बाद आपने डिप्लॉइड क्यों नहीं लिखा और ट्रिप्लॉइड क्यों पहले मेंशन किया, क्योंकि प्लांट्स की लिमिटेड सेल्स हैं जो हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, इसके अलावा जितनी सेल्स होंगी वो डिप्लॉइड। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि डिप्लॉइड कौन कौन सी, आप सिर्फ एक प्लांट में इतना याद रखिए लिमिटेड, बहुत काउंटेबल सेल्स को आप काउंट कर सकते हैं जो हैप्लॉइड है, कुछ लिमिटेड सेल्स को आप ट्रिप्लॉइड कंडीशन में रख सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई सेल इन दोनों कैटेगरी में नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर वो डिप्लॉइड कैटेगरी में आए, तो वो लिमिटेड सेल्स देखते हैं कौन कौन सी। माइक्रोस्पोर जो कि मियोसिस का प्रोडक्ट, और आप जानते हैं मियोसिस का कोई प्रोडक्ट होता है हैप्लॉइड, फीमेल में मेगास्पोर, लेकिन सब बात यही रुकती क्योंकि माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करता है, माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा मेल गैमेटोफाइट जिसको आप बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी की हैप्लॉइड, मेगास्पोर डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिस प्लांट बॉडी के साथ गैमेटोफाइट टर्म यूज होगा तो उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा हैप्लॉइड, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम केसेस में हम मोस्ट ऑफ द कॉमन कंडीशन की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जितनी भी गैमेटोफिटिक स्टेजेस हैं वो सब हैप्लॉइड होती हैं और स्पोरोफिटिक जितनी स्टेजेस होती हैं सब डिप्लॉइड, क्योंकि मैंने नाम ही कहा कि पॉलन ग्रेन इसको रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इसको रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट, तो अब दोनों के साथ गैमेटोफाइट टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गैमेटोफाइट हैं और गैमेटोफाइट का मतलब है। तो बेटा पॉलन ग्रेन भी और एम्ब्रियो सैक, अब कभी कभी इनके इंडिविजुअल सेल्स पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ये जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करती है और डिवाइड करके बनाएगी टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स।
सारी सेल्स, कम से कम दो तीन सेल्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज। एक टिपिकल एम्ब्रियोसाइट सेल सेंट एक टिपिकल कंडीशन हम बहुत कॉमनली पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडीज उनमें से एक ऊपर की तरफ। सिनर्जिक्स, ये भी है प्राइमरी। एग सेल्स, एग सेल जो कि एक सिंगल सेल, बट बेटा सेंट्रल सेल को हम हैप्लॉइड नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंट्रल सेल में दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दोनों डिप्लॉइडी काउंट हो जाएगी, दो सेल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब वो सेल डिप्लॉइड, बाकी अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो हैप्लॉइड, सिनर्जिक्स की बात करें तो हैप्लॉइड, एग सेल डिप्लॉइड, बट अगर सेंट्रल सेल की बात करेंगे तो वो डिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, ये तो सारा हैप्लॉइड अकाउंट है किसी प्लांट का। अब हम ट्रिप्लॉइड की बात करते हैं। ट्रिप्लॉइड की अगर हम बात करेंगे तो ट्रिप्लॉइड सिर्फ एंजियोस्पर्म में एक ही टिश्यू होता है जो ट्रिप्लॉइड होता है, वो होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड या न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जिसको आप 3N रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टिश्यू एक न्यूक्लियस से बनता है, उसे हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दोनों में से किसी भी ट्रिप्लॉइड की पूछी जाती है ट्रिप्लॉइड। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में कोई ट्रिप्लॉइड नहीं है। अब क्या होता है, लीव सेल, रूट सेल, कोई भी सेल आपसे पूछी जाए, इनके अलावा जो ऊपर दिए गए वो सब डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड सेल्स आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड सेल्स का एक अकाउंट याद करना है, बल्कि ट्रिप्लॉइड भी एक ही सेल एंडोस्पर्म का, बस आपको ध्यान में रखना है कि हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी है। तो हम डिप्लॉइड सेल को सिंपली लिख सकते हैं ऑल प्लांट सेल्स एक्सेप्ट अपर लोब्स। ऊपर की जो कंडीशंस दी गई है उनके अलावा सारी सेल्स हमारी डिप्लॉइड है। तो प्लॉइडी पर क्वेश्चंस किस बेसिस पर आते हैं वो देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ एंजियोस्पर्म बताया, एनिमल्स पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्लांट पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया The chromosome number in the pollen grain of maize is 10. Then what will be the number of chromosomes in following structure? अब वो structure आपको सीधे भी दी गई, suppose पहला दिया गया है leaf cell, दूसरा है root hair, तीसरा सिनर्जिक, फोर्थ यहां आपको दिया गया है पॉलन, पांचवा एम्ब्रियो सैक, सिक्स एंडोस्पर्म एंड सेवन एनिमोडी लेयर। फटाफट आंसर करना शुरू करते हैं। लीफ सेल आपको पता है, अभी हमने जो डिस्कस किया हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड में इतना लीफ सेल नहीं है, इसका मतलब ट्रिप्लॉइड टू है। रूट अभी हमने हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड डिस्कस किया, कहीं नहीं आता तो टू है। सिनर्जिक्स हमने देखा हैप्लॉइड कैटेगरी में थी एन, पॉलन में एन, एम्ब्रियो सेट एन,
एंडोस्पर्म फिर जॉइंट टिश्यू होता है, थ्री एंड एरियोन लेयर जो ऊपर डिस्कस नहीं हुआ था। आप जानते हैं मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट जो मैमरी फैमिली है स्पेशली, उसमें एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है, उस प्रोटीन रिच लेयर को आप एरियोन लेयर बोलते हैं। तो ये जो एरियोन लेयर जो प्रोटीन रिच है बेसिकली है तो लेयर ये एंडोस्पर्म की ना, तो जब ये एंडोस्पर्म की लेयर है इसका मतलब ये होता है कि ये लेयर भी एंडोस्पर्म की तरह ट्रिप्लॉइड कंडीशंस को होल्ड कर रही है। That is, तो यहां पर भी एरियोन लेयर की प्रोटीन फटाफट आप वैल्यूज करके शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें जो टेन है वो क्या है। तो आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं वो प्लॉइड किसकी, वो n है, 2n है, 3n है, पहले ये पता लगाना है, उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू निकाल करके यहां पर आपको वैल्यू कर देनी है। तो 10 आपको दिया गया है पॉलीनोमियल, तो सिंपली यहां मैंने पॉलीनोमियल पूछ लिया, चलो पॉलीनोमियल की जगह हम कुछ और कर लेते हैं। पॉलीनोमियल की जगह फॉर एग्जांपल यहां पर दिया गया है जनरेटिव से, जनरेटिव तो पॉलीनोमियल की प्रोबेबिलिटी तो n होती है, इसका मतलब यहां जो 10 दिया गया वो n की वैल्यू है। तो आपके पास जो गिवन है n is equal to 10, अब इस n की वैल्यू को आप इन सब में मेंशन करेंगे, यहां n की वैल्यू 2n रखेंगे तो वैल्यू आएगा लीफ सेल में 20, जो कि हम जानते हैं कि मेज में डिप्लॉयड सेल क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। इसके बाद रूट हेयर 2n 20, सिनर्जिड 10, जेनेटिक सेल 10, एम्ब्रियो सेट 10, एंडोस्पर्म 10 इनटू 3 दैट इज 30, एरियोन 30। तो यहां पर हमारे पास इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखनी है, अपने माइंड में सेट करना है कि जो गिवन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ट्रिप्लॉइड एक ही टिश्यू होता है जो कि एंडोस्पर्म होता है, ठीक है ना, एंडोस्पर्म के ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, बाकी और कोई नहीं होता। तो सिर्फ आपको हैप्लॉइड ही याद रखने हैं कि कौन कौन से, एक बार आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और इनके अलावा जो टिश्यूज हैं एंडोस्पर्म के अलावा सब ट्रिप्लॉइड कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपको दी गई है कि सपोज कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो पहले वो देखिए जिस स्ट्रक्चर के वो नंबर दिया गया उसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले वो चीज आप निकालिए कि आपको n दिया गया है, 2n दिया गया है या 3n दिया गया है, उससे आपको पहले n की वैल्यू निकालनी। यहां तो जैसे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट n ही आपको दिया गया, फॉर एग्जांपल अभी आपको दिया जाता है कि मेज के एंडोस्पर्म में 30 क्रोमोसोम, अब 30 आपको एंडोस्पर्म दिया इसका मतलब वैल्यू 3n की दी, तो पहले आपको अब यहां n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू हो जाएगी 30 बाय 10 दैट इज 3। तो यहां पर 3 वैल्यू रख करके सॉरी 10 वैल्यू 30 बाय 3 दैट इज 10, तो 10 वैल्यू हमारी n की निकल के आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहां जो भी हम चीज लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी हम रफली लिखेंगे n 2 n 3 और वहां पर n की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। यही तरीका हमारा क्वेरी को सजेस्ट करने का, फाइंड आउट करने का रहेगा, यहां पर हमारी क्वेरी की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। इलेवेंथ की एनसीईआरटी में एक और चैप्टर आता है जो हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में भी हमें एक न्यूमेरिक वैल्यूज पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। यहां पर डायरेक्ट डायग्राम हमारे सामने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, और इस टेक्स्ट बुक ये डायग्राम ही हमारे एनसीईआरटी का फिगर डायग्राम 11 चैप्टर पर 11 चैप्टर से लिया गया है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाती है जो आपके सामने बोर्ड पर पहले से ही मेंशन कर दी है। पहले आपको इस जो डायग्राम है इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि डायग्राम में एग्जैक्टली क्या चीज पढ़ाई गई है आपको और उससे क्या चीज आपसे पूछी गई है। यहां हमारे पास दो चैम्बर दिए हैं, तो चैम्बर ए एंड चैम्बर बी। यहाँ ब्लू पार्ट जो हमने मेंशन किया दिस इज सॉल्यूट, और जो व्हाइट पार्ट है इसका वो है सॉल्वेंट, दैट इज हमने दो अलग अलग चैम्बर में अलग अलग सॉल्यूशन बनाए हैं।
इन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट आपको नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि ए में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन काफी कम है और बी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है, ए विद हायर सॉल्यूट लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड बी विद रिच सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा किसका कम, सॉल्यूट पोटेंशियल किस चैम्बर का ज्यादा किसका कम, इक्विलिब्रियम पर अगर ये आ जाए तो कौन से चैम्बर का वाटर पोटेंशियल लोअर कम होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर ए का वाटर पोटेंशियल हम एस्टिमेट करते हैं सपोज -1000 पास्कल और बी चैम्बर का वाटर पोटेंशियल हम एस्टिमेट करते हैं -2000 पास्कल तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या रहेगी इस केस में, और पांचवा अगर ऑस्मोसिस होगा तो डायरेक्शन क्या रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, वो है अगर आप ऑस्मोसिस का एक कॉन्सेप्ट समझ लें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूट के बिहाफ पर जो दो सॉल्यूशन आपको दिए गए, पहले आप इसकी कंसेंट्रेशन के बिहाफ पर इन्हें मार्क कीजिए कि इनमें कौन सा हाइपरटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक या ये दोनों आइसोटोनिक। हमें ये अच्छे से बताया गया है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत होगी और दूसरा वाला उसका एडजेसेंट जो सॉल्यूशन है वहां सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो सॉल्यूट की जहां पूर कंसेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन बनेगा हाइपोटोनिक, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक, और जहां सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो इस रेस्पेक्ट में कहां सॉल्यूट ज्यादा नजर आ रहा है, चैम्बर ए में, तो चैम्बर ए हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, चैम्बर बी में सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। तो चैम्बर ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, चैम्बर बी कंटेन्स हाइपरटोनिक, इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं। हमें पता लगा कि ये हमारा हाइपोटोनिक है और ये हमारा हाइपरटोनिक है। इस बेसिस पर अगर हम बात करें, हम जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन जब वो केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो जो लैब्स होती हैं वहां कई सारे हम सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल रिएक्शन जहां पर बायोलॉजिकल पूरी दुनिया है इसमें जितने भी सॉल्यूशन बने इसका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। तो ये जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इसमें अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो दोनों तरफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहां पर है वाटर, बट हमें यह देखना है किसकी कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट या वाटर की ज्यादा होगी। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा फ्री वाटर कहां पर प्रेजेंट है, तो फ्री वाटर दोनों जगह है लेकिन कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए 100 यूनिट फ्री वाटर अवेलेबल है, इधर भी 100 यूनिट नॉन टोटल वाटर सॉल्वेंट टोटल सॉरी फ्री वाटर टोटल सॉल्वेंट 100 है, टोटल वाटर सॉल्वेंट 100 है, इसमें हमने 10 यूनिट सॉल्यूट ले लिया, इधर हमने 50 यूनिट सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट के ऐड होने पर वाटर की जो फ्री एनर्जी है वो कुछ कंज्यूम या यूटिलाइज होगी, तो जितने सॉल्यूट यूटिलाइज होगी तो नेट कितना फ्री वाटर अवेलेबल होता है, यहाँ जहां हमने कम सॉल्यूट ऐड किया है यहाँ पर हमारे पास 90 यूनिट्स फ्री एनर्जी अवेलेबल है, और जहां हमने 50 सॉल्यूट ऐड किए हैं यहाँ हमारे पास 50 फ्री एनर्जी अवेलेबल। तो आपको यहाँ एक आइडिया लगा कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, जो हाइपोटोनिक यानी जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, तो जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां पर फ्री एनर्जी ज्यादा, पहली बात फ्री एनर्जी ही वाटर की फ्री एनर्जी होती है, क्या बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, बहुत आसानी से समझिएगा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा या वो जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा फ्री वाटर वहां ज्यादा अवेलेबल होगा, फ्री वाटर जितना ज्यादा होगा उसकी फ्री एनर्जी उतनी ज्यादा, फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब हमें पता लगा कि जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा मोर होगा, और जिसका सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कम है वहां पर वाटर पोटेंशियल की कम रहे। तो इस हिसाब से हम देखें
तो वाटर पोटेंशियल यहां हमारा आंसर निकलता है ए चैम्बर का वीपी है बी 15, ये आपका आंसर रहेगा। अब बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है बेटा? सॉल्यूट को ऐड करने पर फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हुआ है, फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट हुआ है वो हमारा क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल। तो हम इसी से मान सकते हैं जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे फ्री एनर्जी में ज्यादा डिक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो आप याद रखेंगे जो ए वाटर सॉल्यूशन हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है ए चैम्बर, इस ए चैम्बर के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल अगेन ए में ज्यादा रहेगा और बी के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल कम रहेगा। ए सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बी का सॉल्यूट पोटेंशियल कम रहेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है वाटर पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एट इक्विलिब्रियम व्हिच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। पहली बात बेटा जब आपने इक्विलिब्रियम बोल दिया, इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों चैम्बर में सेम कंसंट्रेशन है तो बेटा इस टाइम पर दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब ये है दो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर आते ही उस टाइम पर होते हैं जब दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होता है। तो जब आपने कंडीशन ही मेंशन कर दी कि इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि किसी का भी कम नहीं होगा, नन बोथ इक्वल, दोनों के लिए इक्वल कंडीशन है। अब फोर्थ पर आते हैं, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू -1000 पास्कल ए के लिए, बी के लिए -2000। आपको दोनों नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी उतनी स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है और नेगेटिव की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतनी वैल्यू उसकी बिगर मानी जाएगी। तो यहाँ -1000 -2000 लेस नेगेटिव मोर वैल्यू, मोर नेगेटिव लेस वैल्यू। तो इसका मतलब ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, बी का वाटर पोटेंशियल कम है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा? हमेशा याद रखेंगे हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर, फ्रॉम हाई टू लो, याद रखेंगे हाई से लो। जैसे डिफ्यूजन हायर वाटर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, इसी तरीके से याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ वाटर दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, यानी ए टू बी। आपसे कहा गया है पांचवा अंतिम क्वेश्चन के ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी। वैसे तो आंसर ऊपर ही दे दिए, ऑस्मोसिस को आप कई रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। बहुत आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेक कर ली और उन्हें आपने डिफाइन कर दिया कि ये हाइपो है और ये हाइपर है, तो हमेशा याद रखना वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हाइपो टू हाइपर होता है। कहां से कहां होता है? हाइपो टू हाइपर, कभी हाइपर टू हाइपो नहीं करना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अब बहुत से बच्चे इसके कॉन्सेप्ट पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो आप इसको ऑस्मोसिस को आप दूसरे रेस्पेक्ट में भी समझा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। आपको पता है हमेशा जो चीज ज्यादा होती है कम की तरफ मूव करती, तो बताओ ये मूवमेंट सॉल्वेंट का है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, हाइपो में या हाइपर में? ऑब्वियसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करे, इसलिए याद रखिए लीजिए कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस होगा, या ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आगे हमारी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा 11 का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और उसके बाद 12th की एनसीईआरटी में हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने हैं। अगली वीडियो में नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने हैं। गुड बाय।